जिसका नाम COVID-19 है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश के COVID-19 की बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में। इम्पोर्ट अलाउ कर देंगे क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम बहुत जल्दी इम्पोर्ट कर देंगे, प्राइसेज हाई रहेंगे लेकिन अवेलेबिलिटी फॉरन हो जाएगी और हमारा जो छोटा SME है, जो हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन हसन साहब, सवाल मेरा ये है कि हमें इकोनॉमिकली तो ज़्यादा फ़ायदा है तो हम इसकी जानेब बढ़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से ये भी सुनने में आ रहा है कि ये महंगी पड़ती है इसलिए भारत की जानेब बढ़ते हैं। एक मौके पे हम भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करते हैं और ख़त्म हम करते हैं या तकरीबन ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं कि जी आपने जो कश्मीर के अंदर कर रखा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता है कि कश्मीर में तो कोई चेंज नहीं है, हमने देखा जैसा मामला थे आज भी वैसे ही हैं और हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम कह रहे हैं जी आए हेल्प अस आउट फ्रॉम दिस ऑल। ये किस किस्म की मूवमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ असूल मौकफ है, एक तरफ डिप्लोमेसी और सियासत है और एक तरफ इकोनॉमिक रियलिटी है। हमें अपने असूल मौकफ से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया और जो कर रहा है उसकी ना मिसाल मिलती है और ना ही उसको किसी सूरत हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखना है कि बॉर्डर के ऊपर जो क्लैशेस हुए उससे हमारा जो जानी नुकसान हुआ, जो हमारा और किस्म का नुकसान हुआ, वो हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी तनाजुर के अंदर आपने देखा कि हाल ही में सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि पीस की तरफ से कदम है। तो सीज फायर का हमें से मतलब नहीं कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक पार्ट बन जाए, लेकिन ये जरूर है कि फौरी तौर पर टेम्परेचर में कुछ कमी आई। अब आती है इकोनॉमिक रियलिटी। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं। आपने देखा कि अमेरिका और चीन की कितनी कशमकश और टसल थी, ट्रंप ने आकर कुछ सेंचुरी लगाई लेकिन बावजूद उसके उनकी ट्रेड जारी रही। ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज है, इकोनॉमिक रवाबित है, ये दुनिया की जरूरत है, इनको आप टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर आप इसको कट ऑफ करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट है। और इसकी मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ। एक मिसाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पड़ोस में आपके पास आपको धागा मिल रहा होगा, वो सस्ता भी होगा, वो 10 दिन के अंदर आपके मुल्क में भी आ सकता है, उसके बावजूद आप महंगी धागे की तरफ जाएंगे और वहां से इम्पोर्ट करेंगे, जहां से आने में 45 दिन लग जाएंगे, उतनी देर में ऑर्डर लोगों के कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आजकल हम एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहे हैं जिसका नाम COVID-19 है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश के COVID-19 की बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन कई तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को असूलों का समझौता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन इकोनॉमिक रियलिटीज को मद्देनजर रखकर। तो हसन साहब, क्या पाकिस्तान को ये फैसला करते वक्त नहीं सोचना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड जब वहाँ पर कर्फ्यू लगा, क्लैंपडाउन लगा, लॉकडाउन लगा, हमने उसके बाद फैसला लिया, हमने ज़मीनी फ़िज़ाई रबते मुनकता किए, हमने उनके साथ ट्रेड जो है वो रोकी और हमने कहा जब तक आप इनको ईज़ नहीं करेंगे, इनके ऊपर से कर्फ्यू नहीं लिफ्ट करेंगे तब तक तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हमें कश्मीर से ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए, तो वो सारा कहाँ गया सर? देखिए, बात यह है कि जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक ऑप्शन असेस की, हाई कमिश्नर को हमने वापस भेज दिया। जी, हाई कमिश्नर को भी हमने वापस भेज दिया दिल्ली। जी बिल्कुल, देखिए ना, हमने हर मुमकिन उन पर पाबंदियां लगाई, हमने इस मसले को आलमी सतह पे उठाया और हमने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया को उन पर ऐसा प्रेशर पड़े कि वो ये डिसीजन वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान लामहदूद मुद्दत के लिए ये जिद नहीं लगा सकता कि जी देखिए, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ हर वक्त एक जंगी हालत में रहेंगे।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मीशत है, वो इसकी मुतहमल नहीं हो सकती। हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ, बाकी दुनिया के साथ इस मसले को उठाना है, हिंदुस्तान पर बिल्कुल प्रेशर डालना है। लेकिन ये ऐसे नहीं करना कि हम अपनी मीशत को नुकसान पहुंचाएं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं, हमारी वैक्सीन के लिए एक्सेस ना हो, हमें टेक्सटाइल के लिए इनपुट्स ना मिल रही हो। ये अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक रियलिटीज है जिनको मद्देनजर रखकर हमें ये फैसले करने हैं। यानी हम एक दफा और हमने पूरा घन घरेज के साथ हमने धाड़ा और हमने कहा कि ऐसी की तैसी आपकी, और उसके बाद हमने कहा कि वो हमारे तो मसले बहुत ज्यादा हैं, तो लेट्स सॉर्ट देम आउट इन दिस वे, ऐसा ही हुआ? देखिए, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जो इकोनॉमिक रियलिटीज पे बैक एंड फोर्थ नहीं करता? ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड है, कई दफा स्ट्रेटेजिकली। लेकिन दुनिया के ऐसे ममालिक भी तो बहुत कम है ना हसन साहब, जो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, जिनके लीडरान ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते और उसके बाद देयर इज अ चेंज, देयर इज अ पॉसिबल चेंज। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया में कम ऐसे वाकयात हैं, लेकिन लाजवाब मिसालें हैं जिसके अंदर मुल्क हार्ड स्टांस लेते हैं और फिर ओवर अ पीरियड वो सॉफ्ट टर्न होता है जब इकोनॉमिक रियलिटीज टेक ओवर करती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी इस सिचुएशन पे है, हमने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को अपने एक्सपोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट किया है कि हम उसको इतनी बड़ी ब्लो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, हम इस टेक्सटाइल की थोड़ी सी बात करते हैं, आप इसको बड़ी करीब से आप देखते हैं और आप समझ रखते हैं, मुझसे तो खैर बहुत ज़्यादा रखते हैं समझ इस पे। हमारा जो फार्मर है उसने कहा कि भाई मैंने कपास के ऊपर ना अब ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना, ना पैसे ज़ाया करने हैं। हमारा बहुत बड़ा फार्मर शिफ्ट हो चुका है कपास से दीगर फसलों पर, वो कोई शुगर केन पर जा रहा है, वो किसी और पर जा रहा है जहाँ से उसको बेनिफिट मिल रहा है। इवेंचुअली कपास की काश कम हो रही है, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम इफ़ वी गो बाय दिस फॉर्मूला तो हमारी पॉलिसी तो हमारी लोकल एग्रीकल्चर के अंदर भी फेल हो रही है, छोड़ दें भारत को या किसी और मुल्क को। व्हाट वी आर डूइंग विद आर ओन रिफॉर्म्स जो हमने एग्रीकल्चर करने थे, हमने तो कुछ रिफॉर्म भी नहीं किए। हमारा फार्मर जिस चीज़ के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर सकता था, जिस कपास के ऊपर या जिस भी फसल के ऊपर, वो नहीं कर रहा। और हमें इस किस्म की जो है वो चीज़ों की तरफ देखना पड़ा कि जी हम किसी मुल्क से कहें कि जी आप हमें भेज दें यहाँ पर कोई अपनी चीज़। देखिए, आपके सवाल में ही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हमारा फार्मर कपास की काश्त क्यों नहीं करता और क्यों वो गन्ने की तरफ जाता है, क्यों वो गंदम की तरफ जाता है। आपको पता है, देखिए गंदम तो हमारी एक स्टेपल क्रॉप हो गई, उसके अंदर भी एक बहुत ही इनएफिशिएंट सब्सिडी का निजाम है, लेकिन चले वो किसी और वक्त के लिए बात रखते हैं। आपका शुगर जो है वो एक रेगुलेटेड आपकी इंडस्ट्री है, आपकी स्टेट उसके अंदर सब्सिडी के पैसे डालती है। जब आप स्टेट के पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे आर्टिफिशियली बाकी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे, तो जाहिर है कि आप फार्मर का इंसेंटिव खराब कर रहे हैं और फार्मर कपास नहीं काश्त करेगा। इस वक्त अगर आप रेगुलेटरी ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे कॉटन यार्न के ऊपर, या अगर इंडिया से अगर आप इम्पोर्ट अलाउ करते हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को इग्नोर कर दें। ये तो एक टैक्टिकल मूव है इस वक्त के क्राइसिस को हल करने के लिए है। लॉन्ग टर्म में इसका हल वही है कि पाकिस्तान एक कॉटन इकॉनमी था, कॉटन बेस्ड हमारे एक्सपोर्ट्स थी, हमें वापस उसको ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस किया है इंडिया के साथ जो ट्रेड होना है उसके बारे में डिस्कस किया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड नॉर्मल हो और पाकिस्तान में जैसे कपास की खेती बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो चुकी है और कपास पाकिस्तान के किसान लगा नहीं रहे, तो वो भारत से आए, क्योंकि भारत के अलावा अगर वो किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो वो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है। और यहाँ पर ज़्यादातर बात उसी के बारे में हुई। और कोरोना वैक्सीन के बारे में आपको बता दें, पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मिलेगी थर्ड पार्टी के थ्रू, गावी के थ्रू। आपको पता होगा गरीब देशों के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जो कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें पहुँचाते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है। हालाँकि भारत भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के बीच में है, आप इससे कोई मतलब आप इसमें दो राय नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत से जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है गावी के थ्रू पाकिस्तान को 45 मिलियन डोजेस, मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 45 मिलियन में आप समझ सकते हो कितने उनको वैक्सीन मिलने वाले हैं। तो आप समझ जाइए दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत ही जल्दी वैक्सीन मिलने वाली है गावी के थ्रू। और भारत की वैक्सीन दुनिया में काफ़ी सस्ती है, तो भारत जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी देशों में भारत ने वैक्सीन वैसे ही प्रोवाइड कर दी है। आपको बता दें कि अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज़ के ऐसे देश हैं कई जिनकी आबादी ही इतनी ही कम है कि भारत ने उनको पूरी आबादी को ही वैक्सीन, मतलब उनकी आबादी के नंबर के बराबर ही वैक्सीन दे दी है। तो दोस्तों, इमरान खान चाहता तो भारत से वैक्सीन मांग भी सकता था, लेकिन आपको पता है उसका एटीट्यूड कैसा है। इमरान खान एक ऐसा इंसान है जो एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि वो वैक्सीन डेफिनेटली नहीं मांगेगा, और
और वो चाहता है कि भारत को उसको मतलब भारत वैक्सीन दे, तो उसको वैक्सीन मिल ही रही है। और आपको बता दें कि भारत ने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको वैसे भी वैक्सीन दे ही दी है। आपको बता दें सार के जितने देश हैं, मालदीव है, ससेल्स है, ये जो अफ्रीका के आसपास जो भारत से तटीय देश है, मतलब श्रीलंका है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मतलब आप जितने भी देश नाम लें उनको सबको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी है। केवल एक ही देश बच रहा था, उसका नाम था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को फाइनली मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल गई है। और पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन हालांकि आ चुकी है, लेकिन उसको कोई भी डॉक्टर लगवाने से मतलब काफ़ी हेजिटेट हो रहा है, मतलब वो लगवाने से डर रहा है कि चाइनीज़ वैक्सीन लगाने से शायद उसे कुछ हो ना जाए। इस तरीके की पाकिस्तान में खबरें फैली जिसके कारण वहाँ के लोग भी भारत की वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, भारत की वैक्सीन पहुँचने के बाद उसमें अगर मेड इन इंडिया का टैग रहेगा तो फिर कैसा नज़ारा रहेगा, वो भी वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।